संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम आम का अचार बनाएंगे, जिसके लिए 3 किलो आम को काट करके धो लिया है। पहले हम आपको मसाले बता देते हैं क्या क्या लगता है। राई ली है, राई के आधे धनिया लेते हैं, जितना राई रहती है उसके आधा धनिया, सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी, नमक, हल्दी, मिर्ची और लहसुन छिली। ये आम को काट करके धो लिया है, अब हम इसे बॉईल करेंगे। इसे पानी डालेंगे, पानी होना चाहिए ताकि ये आम पूरे डूब जाए। अब हम इसमें अपनी हल्दी डालेंगे ताकि इसमें अच्छा कलर आ जाए। मैं इस तरीके से चला देंगे हाथ से ताकि हल्दी एकदम नीचे तक पहुंच जाए। अब हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे, फ्लेम को तेज कर देंगे, गैस जलाएंगे और गैस की फ्लेम को तेज करेंगे। इसमें तेल डालेंगे, सरसों का तेल यूज कर रहे हैं। बीच बीच में चेक करते रहेंगे इस तरीके से। ये देखिए कलर चेंज होने लगा है, जब तक ये दबे नहीं जब तक पकाना है। अभी थोड़ा सा और पकने देंगे, इसको ढक करके रख देंगे। इसको एक निकाल करके चेक कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल पक गया है, ज़्यादा नहीं पकाना है, ये हल्का हल्का दब रहा है। इसको बंद कर देंगे और इसे छान लेंगे, पानी में डूबे नहीं रहने देंगे, नहीं तो इसमें पानी भर जाएगा। एक जालीदार टोकनी में छान लेंगे, या जालीदार आपके पास बर्तन हो तो उस पर छान लीजिए। इस तरीके से पूरा निकाल देंगे एक एक करके। छान करके रख लिया है, अब हम इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा होता है जब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। गैस पे कढ़ाई रखेंगे और गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम राई डालेंगे, सरसों को सेकेंगे, ज़्यादा नहीं सेकेंगे, इसको थोड़ा सा ही गरम करते हैं, ज़्यादा नहीं गरम करते हैं। चट-चट की आवाज़ आने लगी है, अब हम इसको बंद कर देंगे गैस को और इसको निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं सेकना, नहीं वो कड़वा हो जाता है। अब हम इसे निकाल लेंगे। सेक करके तैयार हो गई है। लिया था उसका आधा धनिया लेते हैं, नाप करके आप अपने बर्तन में ले सकती हैं। मैंने गिलास से नापा था, 1.5 गिलास धनिया है और 3 गिलास सरसों लिया था। हमारा सुनहरा हो गया है धनिया, इसका कलर चेंज हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसको चला करके निकाल लेंगे। तो एक बर्तन से निकाल देंगे, क्या है हमने एक बर्तन से इसको निकाल लिया है। थोड़ा सा सौंफ सेकेंगे, ज़्यादा नहीं सेकेंगे सौंफ, इसको बिल्कुल कम सेकेंगे। गैस को बंद कर देंगे, ये हमारी सिक चुकी है, इसको निकाल देंगे एक बर्तन, एक बर्तन में निकाल देंगे। तैयार हो गई है, हमने एक बर्तन से इसको निकाल लिया है। मेथी सेकेंगे, इसको अच्छे से सेकेंगे ताकि इसका बिल्कुल कड़वापन निकल जाए, कच्चे में ज़्यादा कड़वापन रहता है। ये देखिए बिल्कुल सुनहरा हो गया है, लाल हो गई है। अब हम इसे बंद कर देंगे गैस को और थोड़ी देर इसको और चलाएंगे। ये बिल्कुल बहुत कम लेनी है, थोड़ी सी 1/4 लेना है, सब मसालों से कम लेना है इसको, नहीं तो ये ज़्यादा कड़वा हो जाएगा मसाला अपना। मेथी दाना सेक करके तैयार हो गया है, बिल्कुल लाल कलर का सिका है ताकि कड़वापन बिल्कुल इसमें ना रहे। इन सारे मसालों को एक एक करके अलग अलग पीस लेंगे और फिर इसके बाद मिलाएंगे। हम ये मेथी दाना को छान लेंगे छन्नी में, क्योंकि ये मुंह में आएगा तो कड़वा कड़वा लगेगा। सौंफ को छान लेंगे,
इसको नहीं छानेंगे। धनिया डालेंगे, सरसों की आधी धनिया लेते हैं, जितना सरसों रहता है उसका आधा। हल्दी डालेंगे, मिर्ची हमने इसको घर में ही पीसा है इसलिए इसका कलर ज़्यादा नहीं आता है। नमक स्वाद अनुसार, लहसुन डालेंगे पीस करके, डाल करके मिक्स करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से मसल मसल के पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला मिल गया है हमारा, पूरा तैयार हो गया है। अब तेल डालेंगे इसमें, सरसों का तेल डालेंगे, तेल डालेंगे जब तक ये पतला ना हो जाए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अभी और डालेंगे, मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसको अचार में लपेटेंगे। 3-4 घंटे हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, ये ठंडा हो चुका है। अब अचार रखने के लिए बिल्कुल ये तैयार है। इसे सारे आम को इसमें डाल देंगे इस तरीके से, और मसाले को अच्छे से इसमें मिला लेंगे। ऐसे बराबर से मिला लेंगे ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए। अब एक बर्तन लेंगे, इस तरह का एक डब्बा लेंगे और उसमें ये आराम से डालेंगे। बराबर से दबाते जाएंगे ताकि बिल्कुल इसमें पोल ना रह जाए। अगर पोल रह जाएगा तो ये आम खराब हो जाते हैं, अचार सफ़ेद सफ़ेद घुंडियाँ लग जाती हैं। अचार बनकर के तैयार हो गया है। ये जो मसाला बचा है हम इसे ऊपर से ऐसे इस तरीके से पूरे में लगा देंगे।